रानी आओ आओ बिरादर। यार चल मेरे साथ। क्या हुआ? बहुत बड़ा घफला हो गया यार, तुम ही चलकर अपनी भाभी को समझाओ। लेकिन क्या हुआ बिरादर, क्या हुआ? वो निर्मला है ना, वो अपनी सेक्रेटरी। हाँ, हाँ। उसने जाकर तुम्हारी भाभी के पास न जाने क्या क्या बका है। मुझे तो डर लगता है कहीं शायद कुछ करने बैठे। ये निर्मला की बच्ची तो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। ओहो, तो मामला इतना संगीन हो गया बिरादर। आमा पहले बोल दिया होता तो हम निर्मला को बर्बाद कर देते, ऐसी क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, चल के देख लेते हैं। दोस्त वही जो वक्त पे काम आए, वार उस पर ना हो खुद पे झेल जाए। यार ये भी तुम्हारा नहीं है, तुमको मेरी मदद चाहिए कि नहीं? हाँ। तो फिर शेर मेरा है, 100% मेरा है, बोलो किसका? तुम्हारा है। हद हो गई, आइए चलिए। मानते ही नहीं थे। वकील लेकर आए हो? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना, पूछो इसे, पूछो दुरानी से। आप भी किस चक्कर में आ गई भाभी, निर्मला तो लड़की ही ऐसी है, उसने दफ्तर में किसी को नहीं छोड़ा, सब पे डोरे डाले, और जब किसी पर बस नहीं चला तो मेरे भोले भाले बिरादर को पकड़ लिया। ये बात है। और नहीं तो क्या? तो फिर ये क्या है? अरे डायरी, बिरादर की डायरी। पढ़ो इसे। ओ, निर्मला तुम एक हसीन ख्वाब हो, समंदर की लहरों की तरह लहराता हुआ तुम्हारा जिस्म, तितली के पंखों की तरह कांपते हुए तुम्हारे अधखुले होंठ। वाह बिरादर वाह वाह। कभी कभी लगता है सदियों से मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा था, आवाजें लगाता हुआ, तुम्हें पुकारता हुआ, निर्मला निर्मला निर्मल। वाह बिरादर वाह, आज तक मैं ही अपने आप को शायर समझता था, लेकिन तुम्हारी शायरी के सामने मैं उल्लू का पट्टा लग रहा हूं। वाह वाह, मुझे शागिर्द बना लो बिरादर, मुझे शागिर्द बना लो। नहीं, मुझे बना डालो, मुझे बना डालो बिरादर। निर्मला मैं और भी कुछ दिखा। निर्मला निर्मला ये देखो। वाह ये जबरदस्त पोज, भाभी यही इनकी गलती है, इश्क करने वाले को और कत्ल करने वाले को कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे बिरादर तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है ना, सबूत तक छोड़ दिया। बिरादर जरा हमारी तरह मुखातिब हो जाइए। इतनी अच्छी भाभी के होते हुए आपने ये जुर्रत कैसे की? ये क्या बताएंगे, ये कब से मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। देखो शारदा, मुझसे जो कुछ हुआ है मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था, जस्ट प्लेटोनिक रिलेशन था मेरा, उसको आराम और पैसे की जरूरत थी। साथ साथ तुमने उसे वो भी दे दिया जिस पर सिर्फ एक पत्नी का हक होता है, उसे धन दौलत सब कुछ दे देते, लेकिन वो प्यार न देते तो सिर्फ मेरा था। उसे आदमी की जरूरत थी, मुझे आदमी नहीं रंजित की जरूरत थी, तुमने मेरा रंजित भी उसे दे दिया, बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? अरे भाभी इसीलिए तो हम लोग कुंवारे रह गए। जब शादीशुदा लोग ही लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे तो हम कुंवारों की शादी कैसे होगी। खैर जाने दीजिए, चलो बिरादर आगे बढ़कर भाभी से माफी मांग लो और कान पकड़कर बोलो कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगे। माफी तो मैं पहले ही मांग चुका हूँ दुरानी, पर ये माफ करे तब। एक औरत के पास माफ करने के अलावा हक क्या है। भाभी